सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। जैसे NBA जो है आज की आवश्यकता हर इंजीनियरिंग कॉलेज और हमारे कॉलेज की आवश्यकता हो, तो पिछले 3-4 साल से हम कंटिन्यू लगे हुए थे और हमारे यहाँ करीब करीब 6 ब्रांचेस हैं, उसमें से 4 ब्रांचेस के लिए हम अप्लाई किया था और उसमें करीब करीब जो 4 ब्रांचेस में हमने अप्लाई किया था और ये काफ़ी लेंथी और काफ़ी क्या बोलना चाहिए, काफ़ी डिफिकल्ट वो है प्रोसेस। इसमें सब है यानी प्रोक्योरमेंट से लेकर हर चीज़ों को देखा जाता है, काफ़ी टफ होता है और उसमें से हमने सिविल में NBA प्राप्त किया था और सिविल के अलावा इलेक्ट्रिकल में SFR के माध्यम से हम लोग बाहर हो गए थे SFR के कारण, लेकिन फिर भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बाकायदा अपनी फाइट अभी भी जारी है और अगले 25 अगस्त को हम लोगों की वहाँ पर डिफेंड करना है दिल्ली में, तो उसकी रिव्यू मीटिंग में हम लोग पहुँच रहे हैं तो वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको डिफेंड कर पाए। नहीं बात करें तो NBA में जैसे मैकेनिकल का देखा जाए तो उसमें जो हम लोगों ने भरा हुआ फॉर्म भरा है SFR भरा है तो उसमें ये है कि 1000 में से 600 मार्क्स चाहिए थे तो मैकेनिकल में 670 मार्क्स लेने के बाद भी उसका NBA नहीं मिला क्योंकि कुछ उसमें ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिसमें वाई चाहिए होता है यस और नो, तो यस नहीं मिला हमें, नो मिला और भी सिर्फ 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के कारण हम लोगों को बाहर कर दिया गया। तो उसके लिए हम लोगों ने अपील की, रिव्यू में जा रहा है और उम्मीद है कि हम ना सिर्फ मैकेनिकल बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 20 मार्क्स का है, तो हम इस तरह से करते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। और बाकी जहाँ तक आज स्वतंत्रता दिवस का है तो आज हमने सुबह बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है, यहाँ हमारे DPO साहब यहाँ पर हैं, आप प्रतुल शुक्ला जी, हमारे वाइस प्रिंसिपल विजय सुपानी जी भी हमारे साथ हैं, हम उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ सेलिब्रेट किया है और हमने पिछले कुछ सालों से यहाँ पर एक हमारे जो मेरिट में आते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए गोल्ड मेडल का प्रावधान भी रखा है, उसके अलावा जो संस्था हित में जो कर्मचारी अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए प्रशस्ति पत्र भी दे रहा है और उसको हम उनके फिर जो उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है उसमें भी शामिल करेंगे वो चीज़ को, उनको उत्कर्ष देने के लिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्री रिटर्न्स होने चाहिए तो वो भी हम उसमें रखेंगे। क्या हमारे पास काफ़ी ज़मीन है 300 एकड़ के आसपास है जिसकी वैल्यू आज करीब 3000 करोड़ के आसपास है और उसको बचाने के लिए उन लोगों ने जो प्रयास किए हैं वो सराहनीय है और आगे भी इस तरह से करते रहेंगे। और इवन अगले हमने तो अपनी पूरी टीम हमें दी थी क्योंकि इसको हम टीम यूनिवर्सिटी में कन्वर्शन का प्रपोजल गवर्नमेंट के पास है ताकि वो अपने आगे भेजते रहे, लेकिन मुझे अफसोस है कि हम उसमें सहयोग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड स्टाफ है, यानी ये हाल है कि लेस देन 50% स्टाफ होने के कारण हम उसमें नहीं कर पा रहे हैं।